बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14 है और ये इसका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर भी है जो कि हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का। आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है, इसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है कम्प्लीट हो जाएगा। हम जरा प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ आते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसमें हमने प्लानिंग पढ़ी थी कि प्लानिंग कैसे करते हैं, कि सबसे पहले जो कस्टमर आपको आके बताता है तो उसके बाद आप प्लान करते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, इस पर टाइम कितना लगेगा, उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है उसकी। उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो था एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। उनमें लॉजिकल मॉडल में हमने रिप्रेजेंट एंटिटीज पढ़ी थी, उसके अलावा रिप्रेजेंट रिलेशनशिप और मर्ज द रिलेशनशिप, और लास्ट में हमने नॉर्मलाइज रिलेशन पढ़ा था। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं कि वो क्या है। वो है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, डिस्कस मेजर इनपुट्स टू फिजिकल डिजाइन। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं जी। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। वो कह रहा है कि ये डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस की लास्ट स्टेज है। The major objective of physical database design is implement the database as a set of records for the indexing and other structures। के डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए रिकॉर्ड्स के लिए, फाइल्स के लिए, इंडेक्सेस के लिए और अदर डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। मेजर इनपुट्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन, जो मेजर इनपुट्स हैं वो डेटाबेस डिजाइन की 3 है। नंबर 1 पे है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, नंबर 2 पे है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, और नंबर 3 पे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये पेज नंबर 54 से हमने स्टार्ट किया है, तो अगर किसी को पेज नहीं मिला तो आईडी सीरीज की बुक का पेज नंबर 54 खोल के तो इधर से देख सकता है, ठीक है सॉरी। और वैसे भी जिसने रेगुलरली लेक्चर्स ले रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ। दीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन सच एज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। कहते हैं कि ये उस वक्त डिजाइन किया जाता है जिस वक्त नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, इट इंक्लूड द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज, रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी एटीसी। अब आगे आ गया जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। इट इंडिकेट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इंप्लीमेंट्स कंबाइन प्रोड्यूस फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, एक्सप्लेन। अब डिफरेंट जो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है उनमें एक है डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, और दूसरा है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, तो तीसरा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है इंडेक्सेस, और फिफ्थ पे है इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस की तरफ। इट इज यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि इसका साइज क्या होगा और डेटाबेस के यूज करने का पैटर्न क्या होगा, उसके अंतर्गत ये सारा एनालिसिस। और द एस्टिमेट ऑफ डेटाबेस साइज is used to select the physical storage devices. Sorry, ये physical storage devices का estimate के ये कितनी कितनी devices का इसमें लगेंगे। It also used to determine the cost of storage, के
इस चीज का भी इसमें देखा जाएगा कि इसके स्टोरेज पे कितनी कास्ट आएगी। द एस्टिमेट ऑफ यूजेज पैटर्न आर यूज टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस मेथड। इट इज ऑल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज ऑफ इंडेक्सेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर टू पे है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क नो अडेज। दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल डाटा बेस डिजाइन। द प्रॉब्लम इन दैट दे हैव टू डिसाइड एंड सिलेक्ट नोड आर साइज इन नेटवर्क एंड दी डाटा विल बी लोकेट फिजिकली सेंट्रलाइज। इन दिस स्ट्रेटेजी आर डाटा इज लोकेट इन अ सिंगल साइट। अच्छा सेंट्रलाइज के मतलब एक मुझे याद आ गया तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपका लैंड कार्ड सिस्टम है ना, पहले क्या था कि आपका जो रिकॉर्ड है जमीन का, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये तहसील गोजरा में रहते हैं, ठीक है, तो आपकी जमीन है तहसील गोजरा के अंदर ही, तो आपने अगर अपना कोई रिकॉर्ड वगैरह निकलवाना होता तो था तो वो आपको तहसील गोजरा में से ही निकलवाना पड़ता था। तो अब उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया कि आप कहीं से भी जाके लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से अपना डाटा निकलवा सकते हैं। और अब ये मेरे ख्याल में भी हो गया होगा या होने वाला होगा कि ऑनलाइन घर बैठे भी हम फर्ज निकाल सकते हैं। ज़्यादातर क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो वो गाँव से हैं तो वो इस चीज़ को ज़रा अच्छी तरह समझ जाए। इस तरह से आप लगा लेंगे कि नादरा का जो डाटा बेस है वो सेंट्रलाइज है कि आप अगर गोजे शहर का रहने वाला कोई कि बलूचिस्तान में भी चला जाए तो वो उधर से भी वेरीफाई हो जाएगा कि वो पाकिस्तानी है कि नहीं है। उसके बाद है पार्टीशन। इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस डिवाइडेड इनटू पार्टीशन एंड फ्रेगमेंट्स। यानी कि इसमें ये है कि पार्टीशन में इस तरह के गोजरा वालों का डाटा अलहदा, कमाली वालों का डाटा अलहदा पार्टीशन में इस तरह। यानी कि इस तरह कि अगर गोजरा को एक्सेस करनी तो वो पाकिस्तानी की साइड पे इसका डाटा बेस ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। उसके बाद है रेप्लिकेटेड। इन दिस स्ट्रेटजी फुल कॉपी ऑफ द डाटा बेस इज असाइन टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। यानी कि उस डाटा बेस की सारी की सारी कॉपी एक या एक से ज्यादा साइट पे रखी जाती है हाइब्रिड। इन दिस स्ट्रेटजी डाटा बेस डिवाइडेड इन टू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। इसमें क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जब फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर फिजिकल अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स। अच्छा फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं एक टेक्निक है कि एक रिकॉर्ड्स को फिजिकली कैसे अरेंज किया जाता है सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है ना उनके अंदर। दी सिस्टम डिजाइनर मस्ट ऑर्गेनाइज सेवरल कंस्ट्रेंट फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दीज कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल ऑपरेशन सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। अच्छा ये मैं सिर्फ इसे इस वजह से सिर्फ इसे पढ़ रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बता भी दी गई हैं और बाकी सारी पढ़ने वाली हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं है, तो आप इसे खुद पढ़ें तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और साथ साथ मैं हल्का हल्का बताई भी जा रहा हूँ इसका क्या है, ठीक है। आगे आगे इंडेक्सेस। एन इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल, ठीक है। वो कहते हैं कि इंडेक्स एक टेबल है जो कि इस्तेमाल होता है ये रोज की लोकेशन को देखने के लिए ना टेबल के अंदर। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। इंडेक्स जो है वो यूज होता है सॉर्ट करने के लिए और सर्च करने के लिए। सॉर्ट कर अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है और सर्च करने का। सर्च में फॉर एग्जाम्पल आपने किसी खास चीज के लिए चीज का डाटा ढूंढना है तो आप उसका नाम या आईडी या कोई चीज लिख के जो डाटा बेस के अंदर एंटर करते हैं तो वो सर्च करके वो चीजें निकाल देता है, इसे सर्च करते हैं। सॉर्ट में क्या होता है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं
बाय नेम कर लें या कैपिटल नंबर्स कर लें या ए जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो सबसे ऊपर आ जाए, जिसके उसके काम है उससे नीचे, जिसके उसके काम है उसके नीचे, या इस तरह हो जाए। सॉरी आज जरा खांसी की प्रॉब्लम है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, डेटाबेस इंटीग्रिटी मीन्स दी ए कंसेंट, सॉरी एक मिनट, अच्छा जी, क्रेडनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अच्छा डेटाबेस इंटीग्रिटी इसमें क्या है कि एक तो डेटा कितनी हद तक ठीक है और कितना ये एफिशिएंटली काम कर रहा है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। और दूसरा कि डाटा जो डाटा बेस आपकी बनी उसकी उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा, इंटीग्रिटी इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अच्छा जी, द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट आर डिजाइंड टू कीप डाटा कंसिस्ट एंड करेक्ट, दे एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर डेटाबेस मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोवाइड सेवरल ए मैकेनिज्म टू इन्फोर्स इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। आगे जी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्रीफली डिस्क्राइब बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क नोवाडेज, दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, द प्रॉब्लम इज दे हैव टू डिसाइड एंड सिलेक्ट नोड्स आर साइट्स इन नेटवर्क एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली। अच्छा इसके आगे बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज जो है उसमें है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज के मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रलाइज क्या है, कि सेंट्रलाइज ये है कि डाटा को किसी एक सर्वर में जो है ना वो रख देना कि जिसने भी एक्सेस करना है उधर से एक्सेस करे। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज लोकेटेड एट सिंगल साइट, इट इज अ सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट दिस स्ट्रेटजी इन थ्री डाटा स्टोर एट ए रिमोट साइट इज नॉट एक्सेसिबल रीडली, डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में बी वेरी हाई, दी डाटाबेस सिस्टम फेज टूडे वेन दिस सेंट्रल सिस्टम फेज, यानी कि डाटाबेस सिस्टम उस चीज में फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जहाँ मेन डाटा पड़ा हुआ है वो ही सिस्टम बैठ गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो थ्रू वो सारे के सारे आपके सिस्टम बैठ जाएंगे। पार्टीशन, इन दिस स्ट्रेटजी डेटा बेस डिवाइडेड इन टू पार्टीशन एंड फ्रेगमेंट, यानी कि इस स्ट्रेटजी में डाटा को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको मैनेज करना आसान रहे। ईच पार्टीशन इज असाइन टू अ पार्टिकुलर साइट, द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट डाटा इज मूव क्लोजर टू लोकल यूजर, ठीक है ना। कि इसका मेन चीज ये है कि जो डाटा है वो जो यूजर उसे यूज कर रहा जो उसने इस्तेमाल करनी है चीज सिर्फ वो ही चीज उसके पास जो है ना वो जाएगी। डाटा बिकम मोर इजीली एक्सेसिबल, और डाटा जो है वो आसानी से एक्सेस किया जा सकता है इसके जरिए से। आगे आगे ये रेप्लिकेटेड, इन दी स्ट्रेटजी द फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस असाइन टू मोर देन वन साइट इन दी नेटवर्क, दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज लोकल एक्सेस बट इट creates update problem because each database change must be reliably processed and centralized at all sites. Next आगे जी hybrid, in this strategy the database is divided into critical and non-critical fragment. अच्छा इसमें क्या है कि इस database के अंदर हम database को divided कर देंगे कि कौन सी चीजें critical हैं और कौन सी चीजें non-critical हैं। दी क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर एट मल्टीपल साइट, जो क्रिटिकल चीजें हैं उनको हम स्टोर कर लेंगे मल्टीपल साइट पर, नॉन क्रिटिकल को स्टोर कर लेंगे एक ही साइट के ऊपर। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर डिफरेंट
criteria for selecting a file organization. This is for file organization. A file organization is a technique for physically arranging the records of a file on a secondary devices. ठीक है, दिस सिस्टम जो है ना, ये वही चीजें बार बार जो है ना वो आ रही हैं कि कैसे हैं ये सारी. दिस सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स आर सिलेक्ट अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. दीज कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और यूजर रिक्वायरमेंट टू स्टोर एंड एक्सेसिंग डाटा. सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के होने चाहिए, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और उसके बाद यूजर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा. उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट फॉर फर्स्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवर. सबसे पहले डाटा रिट्रीवर को सर्च किया जाए, फिर हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांसैक्शन, उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, मिनिमाइज नीड फॉर डाटा री ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर. अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस. अच्छा, द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन एंड वर्क. डेटाबेस सिस्टम को उस वक्त इम्प्लीमेंट किया जाता है जिस वक्त उसको डिजाइन भी कर लिया जाए और डेवलप भी कर लिया जाए. द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट फॉर यूजर. ये चीजें हम पहले भी पढ़ ली है, डेटाबेस सिस्टम जो इंस्टॉल और एग्जीक्यूट किया जाता है यूजर के लिए. द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर. और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ वाला कंप्यूटर होगा, जैसे कि एक अलग से एक कंप्यूटर बनाया जाएगा जो कि आम कंप्यूटर से ज़रा कॉस्टली होता है, उसमें हार्ड डिस्क बड़ी लगी होती है और वो बाकी कंप्यूटर से ज़रा काम एफिशिएंट कर रहा होता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं. इट मे आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ द डेटाबेस इज टू बी एक्सेस अ मल्टीपल लोकेशन. और अगर हमने डाटा को ऑनलाइन करना है कि ये एक्सेस किया जाए मल्टीपल लोकेशन के लिए, तो उसे उसके लिए हमें नेटवर्क हार्डवेयर की भी ज़रूरत होगी कि नेटवर्क हार्डवेयर के को इंस्टॉल करके हम इस डाटा को मुख्य यूजर के लिए एक्सेस दे सकते हैं. द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मे हैव टू वर्क टूगेदर. यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दोनों इकट्ठे काम करें ये डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो तभी जो सिस्टम है सब सक्सेसफुली चलेगा. द यूजर आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशन डिफाइंड बाय देयर मैनेजर. द ऑथराइजेशन एज परमिशन एनेबल द यूजर टू परफॉर्म ऑथराइज्ड टास्क यूजिंग डेटाबेस फैसिलिटी. द डेटाबेस सर्वर एंड यूजर मे बी थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट. मैनी एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क. सबसे पहले नादरा है, उसके बाद क्रिक इन्फो है, आर टू एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेस. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था और आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. तो एक बात आपको इधर बताता जाऊँ कि जिस चैप्टर का जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उसकी कंप्लीशन के बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन उसके एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद तैयार करने हैं, ठीक है. तो उनको तैयार करें, क्योंकि आप तो सारी बात आप घर में हैं तो घर में बैठ के आप पढ़ें और आप लोगों को काम नहीं है, तो इनके जो चैप्टर खत्म होता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू साथ साथ तैयार करें. ये नहीं है कि आप ये पढ़ लो बाद में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को आप तैयार ही ना कर लो. इन लोग इन चीजों को भी तैयार करें जो आपके पेपर आ रहे हैं, आपको उस चीज से भी अंदाजा होगा कि हम उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों दे रहे हैं.
तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के में कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।